नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ महेश जैन। आज नीमच के बगाना के चैतन्य महादेव मंदिर पर सुबह जो तस्वीरें सामने आई थी, किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने रात्रि में यहाँ पर शरारत करी थी, यहाँ पर मच्छी सहित यहाँ पर अंडे जो उसके तत्व जो यहाँ पे फेंके गए थे, जिसके बाद में तुरंत पुलिस अमला हरकत में आया। यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीएसपी सहित मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। साथ बता दें कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसको लेकर आज सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर यहाँ पर शुद्धिकरण का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में जो है हिंदू समाज जन लामबद्ध हुए, यहां पर शामिल हुए आरती में और भगवान की आरती करते हुए यहां पर जो जिस प्रकार की हरकत करी गई थी, उस प्रकार से मंदिर प्रांगण को शुद्धिकरण करने का काम किया गया। साथ साथ हिंदू समाज जनों ने प्रशासन से मांग करी है कि जो भी दोषी है उन्हें हिरासत में तो लिया गया, लेकिन उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इसको लेकर 2 दिन का टाइम दिया है। कल जो हमारे आस्था का केंद्र है महादेव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े, मछली के टुकड़े, शराब की बोतलें फेंकी गई, उनके अवशेष यहाँ मिले गए और मंदिर जो हमारा शुद्ध मंदिर है, हमारे जो देवालय हैं उनको अशुद्ध करने की कोशिश उस असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है। इससे पर्याप्त समाज में जन आक्रोश है और समाज ये चाहता है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना घटी, यह घटना इस मंदिर में पहली बार नहीं है, मैं कम से कम 10-12 साल हो गए इस मंदिर में, हर 2-3 साल में ऐसी घटना है जो धर्म द्वारा घटित की जाती है। हमने कई बार प्रशासन से भी निवेदन किया कि इस मंदिर परिसर को की बाउंड्री वाल कर व्यवस्थित सुनिश्चित करें ताकि ये सांप्रदायिक माहौल ना बन सके, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज किस प्रकार से आयोजन किया गया, क्या मांग की? मांग ये है कि जिन लोगों ने यहाँ कृत्य किया है, जिस प्रकार से हमारे शुद्ध मंदिर को अशुद्ध करने की कोशिश की गई है, उन असामाजिक तत्वों पे, विधर्म पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, रसू का तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी समाज शांत बैठेगा, नहीं तो हम आगे और बुरा आंदोलन करेंगे। सुबह 6:30 बजे की घटना है, घटनाक्रम है, कमल जी बिंदल जो जिनका ये मंदिर परिसर है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अजय यहाँ पे मांस के टुकड़े और अंडे के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैंने तत्काल कार्रवाई में लेकर के आई को सुबह बात करी और ममता जी खेड़े को लगाया और अपने एसपी साहब को मैंने फ़ोन लगाया और उन्होंने तुरंत यहाँ पे पुलिस वाले और फोर्स भेज दिया था। और राउंड अप में जो इस मंदिर की ये पहली घटना नहीं, 14 अक्टूबर को ये घटना पे हो चुकी थी, चूँकि हमारे संज्ञान में नहीं थी, इस बार इन्होंने हमारे संज्ञान में डाली। और इस क्षेत्र के पहले भी ये मंदिर परिसर में क्या है कि पहले यहाँ जो माल्य लोग जितने भी भैंसे वगैरह बांधते थे और सामने यहाँ पे गंदगी करते थे, उसको हमने कई बार दुरुस्त करवाया है। और ये घटना इस संज्ञान में आई तो राउंड अप अभी 20 आदमी हमने सुबह पहले 7 बजे उठवा लिए थे और उनका वादा था कि एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि हमने प्रशासन से बोला है कि बार बार जो ये काम हो रहा है ये निरंतर ना हो और ये पुनरावृत्ति इस घटना की वापस ना हो। तो आज जो हिंदू समाज ने अपनी ताकत बताई, सर्व समाज यहाँ जो इकट्ठा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे शुद्धिकरण का एक कार्यक्रम रखा गया था, जो भोलेनाथ की जो प्रवृत्तिता को इन्होंने दूषित करा है उसको पूर्ण रूप से वापस इस समाज ने और हमने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करा है, महादेव की आरती हुई है, इस मंदिर में जल गंगा अपने गोमूत्र से छिड़काव होकर पूरा इस मंदिर परिसर को शुद्धिकरण करा रहा है। और सनातन धर्म अगर उचित कार्रवाई अगर हमने 1 या 2 दिन का समय प्रशासन के पास है, अगर राउंड अप में जो आदमी व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और बता दें कि पूरे मामले में सीएसपी अभिषेक रंजन ने कहा है कि पूरे मामले में जो शंका के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच में घटना हुई जिसमें किसी असामाजिक तत्व ने मंदिर में कुछ एक कुकृत्य किया जिससे कि सामाजिक ओर्द को जो है वो नुकसान पहुँच सकता था, इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कायमी करी है और कुछ लोगों का राउंडअप भी कर लिया है और अपनी पूछताछ में कुछ चीज़ें आ गई हैं जिसमें अरेस्टिंग तुरंत की जाएगी और इस मामले को कंक्लूजन तक ले आया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में खंगाले, उसमें क्या स्थिति सामने आई, कितने लोग पे कुछ आया है सामने? सीसीटीवी फुटेज में जो कैमरे का अलाइनमेंट है उसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट पुलिस ने फाइंड आउट कर लिया है कुछ लोगों को और राउंड अप कर लिया है और इसमें तुरंत ही अरेस्टिंग की जाए। हम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं सभी लोगों से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भी र्यूमर्स चल रहे हैं उन पे ध्यान ना दें और एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाकर रखें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसमें पुलिस जो है वो स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगी।